हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिता और आप देख रहे हैं शॉपिंग स्मिता। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मजे में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो जो आज का वीडियो बेस्ड है वो एक जेड रोलर पर है, जेड रोलर एंड गुआशा स्टोन। हाउ टू यूज़ जेड रोलर एंड गुआशा स्टोन मैं लाइव डेमो करके दिखाऊंगी। बिल्कुल भी इसको यूज़ करने से पहले बहुत ही केयरफुली आपको इसको यूज़ करना है। इसका जो हैंडल है उसको आपको बिल्कुल चेक कर लेना है, कहीं से लूज तो नहीं है। एंड इसको आपको वेट नहीं करना है इसके हैंडल को कभी भी, क्योंकि इसमें एक बैटरी होती है वो ऑपरेटेड होती है, वो ऐसे ही चार्जेबल बैटरी होती है। तो वो जब भी आप इसको रोल करते हो तो वो इसे अट्रैक्ट होकर आपके स्किन पर ये रोल होता है। तो इसको आपको वॉश नहीं करना, सिर्फ आपको इसके रोलर को वॉश करना है। एंड वॉश करने के बाद इसको अच्छे से ड्राई कर लेना, तभी आपको अपने फेस पर इसको यूज़ करना है। इससे जो आपका ये जो रोलर है इससे आपके रिंकल्स दूर होंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, और जो ये जो आई वाला है उससे आपकी जो आई की पफनेस है वो दूर होगी, डार्क सर्कल्स दूर होंगे। क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा तो डार्क सर्कल्स की तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर ये आपका जो पफनेस है आपके स्वेलिंग हो जाती है उसको दूर करेगा, डार्क सर्कल दूर करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखेगा, हेल्प टू डार्क सर्कल्स एंड इन्फ्लामेंटेशन, ये देखिए लिखा भी हुआ है। और फेशियल ऑयल जो है आपके इंक्रीज सर्कुलेशन, आपको जो सर्कुलेशन होती है ब्लड को उसको इंक्रीज करेगा। इट मीन्स कि ब्लड सर्कुलेशन आपका लेवल पर होगा और प्रमोट्स द अपीयरेंस ऑफ हेल्दियर स्किन, आपकी स्किन और हेल्दियर होगी और एजिंग फ्री, रिंकल फ्री होगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं जेड रोलर के। आप मसाज कभी भी करो इसको तो हमेशा से कोई भी आपको एंटी रिंकल क्रीम हो या तो कोई सीरम हो जो आप प्रिफर करते हो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, आप उससे इसको मसाज कर सकते हो। और मैं भी लाइव डेमो करके बताऊंगी। और आपको इस रोलर को 3 to 4 times अपने जहाँ पर एक जगह पर आपको रोल करना है, एंड देन आपको अच्छे से ऐसे प्रेस करना है इसको इधर भी, और जो आई के एरिया है वहाँ पर भी आपको अच्छे से मसाज करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लाइव डेमो देखते हैं एंड फिर इसकी बात करते हैं कि कहाँ पर ये अवेलेबल होगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो गुआशा स्टोन को यूज़ करने से पहले बहुत ही मतलब केयरफुली इसको वॉश करना है, उसके हैंडल को वॉश नहीं करना, और आपको सीरम कोई अप्लाई करना है या तो आपको ये एंटी रिंकल क्रीम या एंटी एजिंग क्रीम जो भी हो आपको सूटेबल हो तो आप उसको अप्लाई करिए, देन इससे मसाज करिए। एंड आपको बिगिन करना है आपके नेक से एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और आपको एक ही जगह पर 3 to 4 times आपको मसाज करनी है, सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में, और अच्छे से इसको प्रेस करना है। एंड मतलब एक ही जगह पर आपको 3 to 4 times अपने नोज एरिया में ऐसे आपको यहाँ पर फोरहेड में ऐसे करना है, इस डायरेक्शन में आपको ऐसे मसाज करना है फोरहेड पर। और कम से कम आपको 5 minutes तो मसाज करनी ही है जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाए। और ये जो रोलर है ये जो बड़ा बड़े साइज़ का है वो फेस के लिए है, एंड इसमें दूसरा भी रोलर है जेड रोलर, वो आई के लिए है, अंडर आई के लिए। तो आपको अच्छे से मसाज करनी है 3 to 4 times जैसे मैंने बताया आपको। आपको अपने नेक से बिगिन करना, स्टार्ट करना है, एंड आप ऊपर की ओर ले जाना है सर्कुलर मोशन में, एंड देन आपको आउटवर्ड करना है ऐसे। एक साइड कम से कम आपको 3 to 4 times करनी है मसाज आपको जी, और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल भी मेंटेन रखेगा। तो आप देख लो इसको, देन आपको अपने आई पर लगाना है। अंडर आई पर यूज़ करने के लिए आपको अंडर आई क्रीम ले लो, जैसे कि आपकी पफनेस, रेडनेस या तो डार्क सर्कल्स दूर करे, आपको ऐसे लगाना है, मसाज करना है। फिर इससे रोलर से आपको इनर नोज से आपको स्टार्ट करना है ऐसे, एंड हल्का हल्का प्रेस करना है अपने नोज़ पर। हाँ, नोज़ पर प्रेस करना है जी, तो ऐसे प्रेस करिए आप लोग, और 3 to 4 times मतलब अच्छे से प्रेस करिए। देन आपको आउटवर्ड की तरफ करना है, आप इसको अपने, बस ये ध्यान रहे कि आईलिड पर आपके ना जोर पड़े, और ऐसे प्रेस करना है 3 to 4 times सर्कुलर मोशन एंड आउटवर्ड मोशन में, रोलर को अपने मूव कराना है। तो इसको कम से कम आप हफ्ते में 3 to 4 times कर, हफ्ते में मतलब सॉरी हफ्ते में 2 times कर सकते हैं, और बढ़िया से मसाज कर सकते हैं जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा और आपके जो आई की पफनेस है वो दूर हो जाएगी बढ़िया, और ये आपके रिंकल्स और एंटी एजिंग जो होता है रिंकल्स उसको भी दूर करेगा, और समय से पहले जैसे झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं तो उसको भी ये मतलब मेंटेन रखेगा कि मतलब समय से पहले ना। और ये गुआशा स्टोन का भी यूज़ ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे प्रेस करना है आपको ऐसे ऊपर की तरफ, इसको सेम वे में वैसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मैंने रोलर को यूज़ किया था सेम वे में यूज़ करना है। तो बहुत अच्छे से आपके फेस का ये ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रखेगा, एंड आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है ये, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ प्लीज़ वैसे ही करिएगा।
देन बाद में आप प्लीज़ मुझे ब्लेम ना करिएगा कि आपने ऐसा बताया था। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस, तो आप लोगों ने देख लिया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग। करनी है कि बिल्कुल भी आपको इसको जहाँ से आप शुरू करिए बस वहीं पर स्टार्ट कर, वापस कभी मत लेकर के आइए इस स्टोन को। एंड जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया आपको बिगिन करना है अपने नेक एरिया से ऐसे, एंड यहीं पर आपको आउटवर्ड करना है, इसको वापस लेकर के नहीं आना है कभी भी। और ये जो आपका जो ये है डराई रोलर है, इसको आपको नोज़ के एरिया से बिगिन करना है, इनर नोज़ एंड ऐसे करना है देन, ठीक है। कोई भी इसमें बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं, ईजी है, सिंपल स्टेप्स हैं इसके सारे। गुआ सा स्टोन के भी जो हैं वो भी बहुत ही इजी है, मैंने जो करके दिखाया वैसे ही आप करिएगा। ये जो स्टोन है वो मैं मुझे कॉम्बो में मिला था, 3D मसाजर का मैंने वीडियो बनाया था, आई बटन में मैं डाल दूँगी, आपको देख लेना। ये मुझे कॉम्बो में मिला था, दोनों में लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो अलग अलग बाय कर लो एंड आप चाहो तो कॉम्बो में बाय कर लो, दोनों ही आपको मिल जाएंगे अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर। मैंने अमेज़न से बाय किया था तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर बाय करना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, शॉपिंग विद सुमिता मेरा सेम नेम इंस्टा पर है, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, जानकारी मिलेगी। DIY रेमेडी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं डालती हूँ उस पर और कुछ ऐसे ही डेली डाल देती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये रोलर है जो कि बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो, जब भी आप मसाज कर रहे हो या तो सीरम यूज़ कर रहे हो तो आप इसी रोलर से मसाज कर सकते हो, और एंटी रिंकल क्रीम यूज़ करके आप इसको मसाज कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू, बाय।